से हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नया बिल लेकर हाजिर हूं, वो है नागरिक संशोधन अधिनियम 2019। 2019 का अधिनियम संख्या 47 था। नागरिक अधिनियम 1955 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम बनाया गया था। ये जो लॉन्च हुआ था 12, यानी जो ये आर्टिकल डाला था 12 दिसंबर 2019 को, भारत गणराज्य के 70वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाए गए। पहला था इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो दिया गया नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 है, या उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिनियम द्वारा निरस्त करे। नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें जिसे इसके पश्चात या अधिनियम द्वारा कहा गया है कि धारा 2 की उपधारा 1 के खंड खा के पश्चात परंतु अंतर स्थापित किया जाएगा, अर्थात परंतु अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और या ईसाई समुदाय के ऐसे व्यक्ति जो 31 दिसंबर सन 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रविष्ट हुआ और जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 की धारा 3 की उपधारा 2 के खंड गा के द्वारा उसे अधीन या विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 या उसके अधीन किसी नियम के उपबंधों या उसके अधीन किए गए आदेशों के लागू होने में से छूट प्रदान की गई इस अधिनियम प्रयोजनों के लिए अवैध प्रवासी के रूप में नहीं माना जाएगा। तो इसका तीसरा मूल अधिनियम, मूल अधिनियम की धारा 6 खा के पश्चात निम्नलिखित या धारा अंतर स्थापित की गई कि 6 खा एक केंद्रीय सरकार या उसके इस द्वारा इस निम्नलिखित विनिर्देश कोई पदाधिकारी ऐसी शर्तें, निर्बंधनों और रीति के अधीन रहते हुए विहित की जाए कि इस निश्चित किए जाए कि आवेदन पर धारा 2 की धारा 1 के खंड खा के परंतु में निर्दिष्ट व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण या प्रमाण पत्र या देशीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त कर सकेगी। दूसरा पॉइंट इसमें है धारा 5 में विनिर्देश शर्तों को पूर्ण करने या तृतीय अनुसूची में उपबंधों के अधीन देशीकरण की अंतर्हित अधीन रहते हुए ऐसी व्यक्ति का को जिसे उपधारा कहा जाता है कि धारा उपधारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या देशीकरण प्रमाण पत्र अनुमित किया जाएगा जा गया है उससे उसके भारत में प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक समझा जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रारंभ की तारीख से है इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध अवैध प्रव्रजन या नागरिकता के संबंध में लंबित किसी भी कार्यवाही का उसे नागरिकता प्रदत्त किए जाने पर अब शमन हो जाएगा, परंतु ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन नागरिकता है तो आवेदन करने के लिए आधार पर अंतर निहित नहीं होगा कि उसके विरुद्ध कार्यवाही लंबित है और केंद्रीय सरकार या उसके द्वारा नियमित विनिष्ठ पदाधिकारी उस आधार पर उसका आवेदन अस्वीकार नहीं करेगा यदि वह अन्यथा इस धारा के अधीन नागरिकता अनुदत्त किए जाने के लिए अंतर्निहित पाया जाएगा। परंतु यह और ऐसे व्यक्ति को जिसने इस धारा के अधीन नागरिकता के लिए आवेदन किया है, ऐसा व्यक्ति आवेदन करने के आधार पर उसके ऐसे अधिकारों और विशेष अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा जिसके लिए वह उसने आवेदन के प्रति प्राप्त की तारीख को हकदार था। इस धारा की कोई बात संविधान की 6 अनुसूची में यथा सम्मिलित असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र या बंगाल पूर्वी सीमांत विनिमय 1873 के अधीन अधिसूचित आंतरिक रेखा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को लागू नहीं होगी। यानी यहाँ पे देखिए एक छोटी सी पॉइंट बहुत समझने की जरूरत है, इस धारा की कोई बात संविधान की 6 अनुसूची में सम्मिलित यानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और जनजातीय क्षेत्र और बंगाल का पूर्वी सीमांत क्षेत्र 1873 के अधीन अधिसूचित आंतरिक रेखा के अंतर्गत लागू नहीं होगा। ये 1873 का अविनिमय 5 धारा 7 घा का संशोधन है। मूल अधिनियम कि धारा 7 घा में खंड घा के पश्चात निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाएगा, अर्थात घा का भारत के कार्डधारी विदेशी नागरिकों में इस अधिनियम के किसी उपबंध का तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसे अक्षम विधि जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना या विनिर्देश की जाए इसके उपबंधों का अतिक्रमण किया है या नहीं। खंड एक खंड घा के पश्चात निम्नलिखित परंतु अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात परंतु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि भारत में कार्डधारी विदेशी नागरिकों की सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। नंबर 5 मूल अधिकार की धारा 18 की उपधारा 2 में
खंड डा और अंगा के पश्चात धारा 18 का संशोधन है, निम्नलिखित खंड अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात धारा अंगा धारा 6 कागिब धारा 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या देशीयकरण प्रमाण पत्र अंतरित करने की शर्तें निर्बंधन और रीति हैं। मूल अधिनियम और तिथि अनुसूची के खंड घा में निम्नलिखित परंतु यानी तृतीय अनुसूची का संशोधन किया अंत स्थापित किया जाएगा, अर्थात परंतु अफगानिस्तान बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी या ईसाई समुदाय के व्यक्ति के लिए इस खंड के अधीन यथापेक्षित भारत में निवास या भारत में किसी प्रकार की सेवा की कुल अवधि को 11 वर्ष से कम नहीं के स्थान पर 5 वर्ष से कम नहीं के रूप में पढ़ा जाएगा। तो राष्ट्रपति ने दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के उपरोक्त हिंदी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम 1963 धारा 5 धारा खंड 1 धारा 1 के खंड खा के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने पर प्राधिकार दिया है। तो ये जो हमें जो भारत सरकार की जो संस्था है या जो कह सकते हैं भारत सरकार की जो राज्य मंत्रालय है उससे ये जो है मैंने इसको भारत सरकार जो सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ से जो मैंने लोड इसको डाउनलोड किया और उसके बाद फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्या जो उन्होंने जो नागरिकता संशोधन अधिनियम सन 2019 जो उन्होंने लागू किया था उसके में क्या बात है। तो ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है पूरी बात समझ में आ गई जो मैंने पढ़ा। अब इसको आप संविधान में अच्छे से देख कर बिल्कुल अच्छे समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।